देखिए, जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं उसको लेके हम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और इवन उसी वजह से इम्प्लीमेंट किया गया था। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के वॉलंटैरिली ऑड इवन में सहयोग किया है। लगभग 250-300 के करीब चालान डेली कट रहे हैं, जो कि 2 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम हैं। अभी जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कल और परसों का, और हम देखेंगे। अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पे निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। लेकिन मेन सोर्स जो है, मेन बीमारी जो है अभी हवा की, वो बगल वाले राज्यों में से जो पराली जल रही है उसकी वजह से है। नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं वो भी यही दिखाती हैं। मैं ये सारी पिक्चर्स देख रहा था, अगर आप लोगों को हम वो पिक्चर्स भेज देंगे। 7-8 अक्टूबर तक आप नासा की सैटेलाइट इमेज ले लीजिए और दिल्ली की एयर क्वालिटी ले लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी 9 अक्टूबर तक सेटिस्फैक्ट्री जोन में थी, अचानक 10 अक्टूबर से दिल्ली की क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में आने चालू हो गई। 9 अक्टूबर तक हम लोग सेटिस्फैक्ट्री थे, हम लोग डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 70 था, 80 था, 90 था, 120 था, 130 था, लेकिन अचानक 10 अक्टूबर से हम लोग 200 के ऊपर क्रॉस कर गए। 200, 300, 400, 500, 600 पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। और नासा की इमेजेस दिखाती हैं 10 अक्टूबर से ही वो पराली के जो रेड स्पॉट्स हैं इमेज के ऊपर वो आने चालू हो गए। देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पड़ोसी राज्य उस पे बंद नहीं कर रहे पराली, तो दिल्ली के लोग आखिर क्यों सफर करें और कब तक सफर करें? अब अगर हमने 15 लाख गाड़ियां हटा दी, तो अगर 9 अक्टूबर को मान लीजिए 90 था तो वो 70 ही होगा ना। 15 लाख गाड़ी हटाने से पोल्यूशन बढ़ेगा थोड़ी, 70 ही होगा, 80 होगा, तो हमारा उतना ही है दिल्ली का सारा मिला के। बाकी जितना पोल्यूशन आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ये आपका कहना गलत है। हरियाणा के अंदर जरूर थोड़ा सा कम हुआ है पराली जलाने का, पिछले कुछ दिन के अंदर इंसिडेंस कम हुआ है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया।